डियर ऑल, जय भीम जय भारत। मैं हूं चंद्रभान प्रसाद। दलित नोट पावर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस एपिसोड में मैं आपको एक सपनों की दुनिया में ले जाना चाहूँगा। सपने देखने चाहिए और हमेशा सपने बड़े होने चाहिए। तो सपना यह है कि क्या दलित हवाई जहाज बना सकते हैं आने वाले समय में। चलिए देखते हैं इस सपने में कोई भौतिक आधार छिपा है क्या। हम चलते हैं दास ऑफशोर लिमिटेड, न्यू बॉम्बे में एक दलित कंपनी है। दास में डी स्टैंड्स फॉर दत्ता, ए स्टैंड्स फॉर अशोक, एस स्टैंड्स फॉर सुरेश। इन तीन भाइयों ने 1992 में एक कंपनी लॉन्च की और इसके लीडर बने अशोक खाड़े साहब, इसके पैटर्न बने दत्ता साहब, इसके फॉलोअर बने सुरेश साहब। तो दास ऑफशोर कंपनी बॉम्बे हाई में स्थित ऑयल रिग्स, ऑयल प्लेटफॉर्म्स का मेंटेनेंस करती है। आपको मालूम होगा कि बॉम्बे शहर से कुछ किलोमीटर दूर बॉम्बे हाई है, जिसके नीचे तेल का भंडार है, डीजल, क्रूड ऑयल, जिससे डीजल, पेट्रोल, गैस वगैरह सब निकलते हैं। तो 1992 में बीस बनी इस कंपनी, जो तमाम वहाँ सैकड़ों ऑयल रिग्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, विदेशी भी हैं, उसके मेंटेनेंस का काम करती है, रिपेयर्स का काम करती है। इनके हजारों कर्मचारी वहाँ पर हैं और पानी के नीचे सैकड़ों फिट जा करके ये सब मेंटेनेंस का काम करते हैं। और दास ऑफशोर कंपनी जो है, जिस पर प्लेटफॉर्म बनते हैं उनके जो पिलर्स होते हैं, इम्पोर्टेड स्टील से बनते हैं, जिसको लेग बोलते हैं, उसका भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। दास ऑफशोर के वर्कर्स बॉम्बे से हेलीकॉप्टर से समुद्र के बीच उतरते हैं और फिर वहाँ पर एक शिप है, उसमें जा कर के रहते हैं, वहीं से काम पर जाते हैं। वहाँ आप एक हेलीपैड भी देख सकते हैं। यह कंपनी फैब्रिकेशन का काम करती है, यानी लोहे काट कर कुछ भी बना सकती है। और अगर आप बॉम्बे कभी गए हों तो बांद्रा के ऊपर जो बांद्रा स्काई वॉक जो बना है, उसको दास ऑफशोर ने बनाया है। दास ऑफशोर ने न्यू बॉम्बे में एक बड़ी स्टेडियम का भी निर्माण किया है। बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाना दास ऑफशोर की विशेषताएं हैं। तो क्या दास ऑफशोर कभी कोई हवाई जहाज भी बना सकता है या कोई और दलित? क्यों नहीं। अगर भारत जैसे देश जिसमें इतनी भाषाएं हैं, इतने रिलीजन हैं, इतने तरह के क्लाइमेटिक जोन्स हैं, इस देश का संविधान अगर एक दलित माँ की पेट से पैदा हुए बाबा साहब अंबेडकर बना सकते हैं, तो उनके फॉलोअर्स जहाज क्यों नहीं बना सकते। ये सपना मेरा है, ये सपना आपका भी होना चाहिए। तो इस सपने के पीछे कोई ना कोई आधार होना चाहिए। बॉम्बे गोवा रूट पर एक जगह पड़ती है रोहिणी, समुद्र का किनारा है। वहाँ पर दास ऑफशोर ने एक अपनी कंपनी का स्वयं का जो है छोटा सा पोर्ट बनाया है, बंदरगाह बनाया है, जिसको जेटी भी कहते हैं। और
इस बंदरगाह पर 10 ऑफशोर अब हजारों टन की कमर्शियल शिप बना रहे हैं। आप फोटो में देख सकते हैं कि शिप बनाई जा रही है, और शिप बनाना बहुत ही हाईली स्किल्ड कंपनी का काम है। तो 10 ऑफशोर जो है हवाई जहाज भी क्यों नहीं बना सकती। यह एक सपना है, सपनों की दुनिया है। 10 ऑफशोर ने पिछले 10 साल में लगभग 4.5 अरब 4.4 बिलियन रुपीज का बैंक इंटरेस्ट दिया है। पिछले 10 साल में लगभग 4.5 अरब रुपए। विगत 10 वर्षों में 10 ऑफशोर ने 2.25 अरब रुपए से अधिक का टैक्स दिया है। याद रखिए, फिर से सुन लीजिए, एक दलित कंपनी पिछले 10 सालों में 4.5 अरब रुपए का बैंकों का इंटरेस्ट पे किया है और 2.25 अरब से ऊपर सरकार को टैक्स दिया है। हो सकता है कि भारत में ऐसी 500 कंपनियां हों जो 50 करोड़ 100 करोड़ का इंटरेस्ट देती हों और टैक्स देती हो सरकार को। तो अगर इसको हम सिद्ध कर पाए तो हम यह सिद्ध कर सकते हैं, और दलित नोट पावर चैनल आज नहीं तो कल इस बात को सिद्ध कर सकता है कि जितना पैसा सरकार दलितों के वेलफेयर पर, वजीफा, फीस माफी, लोन वगैरह पर खर्च करती है, उससे अधिक दलित समाज के उद्यमी सरकार को टैक्स देते हैं हर साल। तो ये सपनों की दुनिया शायद आपको अच्छी लगी हो। इस क्रांति के लीडर अशोक दास और उनके 2 भाई एक मोची की माँ के पेट से पैदा हुए हैं, और 30 साल के बिजनेस की जर्नी में ही आज यह हजारों टन की कमर्शियल शिप बना रहे हैं। तो आइए आज ऐसे ही एक महान दलित शख्सियत से हम डायलॉग करते हैं, कैसी रही उनकी जर्नी। सर, आपके घर में जब गया था, आपके गांव गया था, तो आपके गांव में बहुत सारे आम के पेड़ थे, तो कितने होंगे आम के पेड़? साहब अभी टोटल मैंगो ट्रीज आर मोर देन थाउजेंड। और इस साल कितने आम पैदा हुए होंगे? इस साल पे साहब खाना पीना करके इतने 5-6 लाख रुपए के तो हुआ रही है। आम इतने पैदा हुए थे। आप शायद अंगूर भी पैदा करते हैं? हाँ, अंगूर भी एक 26 एकड़ का अंगूर है, अंगूर भी अच्छा है। ओके। अच्छा सर, आपके बचपन से जुड़ी एक कहानी मुझे याद है। जब बचपन में आप जो ऊंची जात के लोग हैं उनके आम के बगीचे में जाते थे, तो क्या आपको आम वो तोड़ने देते थे? नहीं साहब, काफी डांट लेते थे, बहुत डांट लेते थे, पीछे पड़ के जो भी कुछ आम गिरा है ना वो वापस लेते थे। और आज आपके पास 1000 पेड़ की आम की बाग है। बात है, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं उनका जो पूर्व इतिहास है मैं ध्यान में नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं बहुत उनको खाना पीना देता हूँ, बहुत अच्छे तरह से संभालता हूँ। तो मैं आपके गांव गया था, तो लोग कह रहे थे कि आप लोगों की मदद तो करते ही है, पर जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको भी आम आप गिफ्ट देते हैं बास्केट्स में? बहुत देता हूँ। जमाना पलट गया थोड़ा बहुत। हाजी, जमाना थोड़ा बहुत पलट गया? नहीं, जमाना मेरा गांव में तो बहुत पलट हो गया, 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री। अच्छा, ये बचपन में आपने एक घटना का जिक्र किया था, आटे वाला, जो बरसात में आप आटा खरीदने गए थे, तो क्या हुआ, एक बार दोबारा कह सकते हैं? मैं 6 स्टैंडर्ड में था, और मुझे माँ ने आटा का मिल रहा था ना, उसमें मेरे को भेजा था एक आटा पीसने के लिए। मैं आटा पिसा और घर में आ रहा था, तो बारिश हो रहा था, बारिश में निसरगुड़ी होने की वजह से मैं गिर गया डब्बा के साथ।
और पूरा जितना भी था पीट जो पीट है ना वो सब गिर गया पानी में। तो मैं खाली डब्बा लेके घर में आ गया। तो मेरे माँ बोले, अरे अभी तो कुछ अपने पास कुछ है नहीं बाबा, अभी क्या करेगा, सबको एक दो तीन चार बच्चे कैसे अभी संभालेंगे। तो जाके एक आदमी के साथ के जो वो मक्का का कनिस रहता है ना वो हम लोग लेके आए, काला हुलगा का दाना रहता है वो लेके आए, और थोड़ा एक एक मक्का का कनिस काला हुलगा का थोड़ा थोड़ा खा के हम लोग सो गए सब लोग। तो सर, जब आप बॉम्बे गए आप अपने बड़े भाई साहब के पास, तो उस समय किस तरह के घर में आप सोते थे? नहीं सब घर में, तो घर तो ऐसा एक अकेला था, बस नीचे नीचे गोदड़ी डालो ऊपर गोदड़ी ले लो सब जो सो जाओ अंदर, बस बाकी कुछ नहीं। अभी आप सर कितने लोगों को चेक से तनख्वाह बांटते हैं? कितने 100 लोगों को या 1,000 लोगों को? अभी तो ये कोरोना तो थोड़ा तो आगे पीछे था, लेकिन कोरोना के पहले मेरा स्ट्रेंथ था टोटल 3,500, लोगों को आप सैलरी देते हैं? सैलरी देता हूँ। यस जब मैंने आपसे एक बार यह पूछा था कि आप गांव में इतनी जमीनें क्यों खरीद रहे हैं, तो आपको याद है आपने मुझे क्या कहा था? नहीं, जमीन खरीद ये तो नहीं है, लेकिन जहां भी मेरी माँ ने काम किया है, जहां भी मेरी माँ ने पूरा 1,200 रुपए से रोजगार किया है, वो थोड़ा थोड़ा जमीन लेते लेते मैं इधर तक आ गया। मेरा ऐसा जमींदार बनने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन जो आदमी लोगों को प्रॉब्लम हो चुके हैं, मान लो उसका जमीन का कीमत है 4 लाख रुपए और उसको 5 लाख रुपए चाहिए, तो 5 लाख में वो बेचारे का प्रॉब्लम निपट लो, 4 लाख का कोई मतलब नहीं है। ऐसा करके थोड़ा थोड़ा आगे, और थोड़ा वो टाइम का जमाना और ये अभी जमाने का परिवर्तन बहुत हो गया सर। तो आप ज्यादा स्पष्ट ढंग से हमसे आपने ये बताया था कि अभी भी बता रहे हैं आप, माँ ने जहां जहां मजदूरी की थी आपने अपनी माँ को खुश करने के लिए वो जमीनें खरीदी, क्योंकि आपको आपकी माँ को मारुति में और BMW में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता था। मैंने अभी उसको, अभी मेरा अभी भी उसको फर्क नहीं, अभी भी उसको फर्क नहीं कोई, वो खुली वाली है, अपना गांव में रहती है, गाय साथ रहती है, आदमी से जुड़ी रहती है, किसी की प्रॉब्लम रहे तो कुछ थोड़ा बड़ा पैसा देते हैं, इधर उधर करते, अपना अपना सौभाग्य बोलेगा तो आज का दिन अच्छे तरह से निकालो, किसी को दुख मत दे दो, ये मेरा माँ का बहुत अच्छा नेचर है। ओके ग्रेट सर, जहां तक मुझे याद है न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का जो सबसे बड़ा अखबार, उसने आप पर एक रिपोर्ट छापी हाँ हाँ साहब, वो तो आपकी देन है, सच्ची बोलेगा तो आप भी मेरे को न्यूयॉर्क टाइम्स में थी। लेके गए। हाँ उसके बाद आपका कई विश्वविद्यालयों में आपकी पढ़ाई की जाती है, स्टूडेंट्स को आपके बारे में पढ़ाया जाता है। यस, पढ़ाया जाता है, मैं कराड़ इंजीनियरिंग कॉलेज का चेयरमैन था लास्ट 7 इयर्स। तो मैं पहला दिन जब भी गया था ना साहब उधर कॉलेज में, तभी यही न्यूयॉर्क टाइम्स का 12 फुट बाय 6 फुट का उन्होंने एंट्रेंस बनवाया था, और उसके ऊपर लिखा था कि माय चेयरमैन। तो अगर मैं यह कहूं कि मुझ में मुझे आपकी तस्वीर में, आपके तीनों भाइयों की तस्वीर में जो है जमशेद जी टाटा की एक पिक्चर उभरती है। जमशेद जी टाटा तो एक एग्जाम्पल है, एक साहब उम्मीद है जीने की, सच्ची बोलेगा तो उनके जैसा जी ले, उनके जैसा पाले हो, उनके जैसा साम्राज्य बनाने का थोड़ा सा ट्राई करो, नहीं तो फिर एटलीस्ट उन्होंने 1,000 लाख आदमी का अच्छा किया, 1,000 तो कर सकेंगे। वो एक मेरी उम्मीद है, वो एक मेरा इंस्पिरेशन है जमशेद जी टाटा। तो अभी तो आपके बिजनेस के मात्र 30 साल हुए हैं, और हाँ जी, क्या यह बात सही है कि आपके पिताजी सड़क के किनारे मोची का काम करते थे, रिपेयर करते थे शूज? हाँ साहब, ये चित्राटक है दादर में, चित्राटक ही उसका सामने बैठते थे वो, और कम से कम 4-5 बरस बैठते थे, मेरा 5वीं 6वीं 7वीं मेरा उधर से हो गया। अच्छा, आपको इस बात का कोई अंदाजा है कि इस समय आप कितने 1,000 टन या 100 टन स्टील काटते हैं? साहब अभी तो जैसा कि लास्ट 1-2 बरस में तो मैंने कम से कम नॉट लेस देन 5,000 टन स्टील काटा रहेगा। तो यह जर्नी जो है जहां आपके पिताजी सड़क के किनारे शू रिपेयर करते थे और आज आप हजारों लाखों टन स्टील हर साल काटते हैं, तो इसमें इस जर्नी में आपको कैसा महसूस हुआ? और दलित जो लोग पढ़ाई करके किस
नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? नहीं, मैसेज साहब ऐसा ही है, क्योंकि दलितों में से बिजनेसमैन बनना बहुत कठिन है, क्योंकि दिस इज मेरा इसलिए हो गया कि मैं माजवाड़ा में काम करता था, मेरे बड़े भाई भी करते थे, छोटा भाई भी करता था, एंड दिस टेक्नोलॉजी वॉज नोन टू अस। कोई बिजनेस करता है, सोचता है, तो उसको टेक्नोलॉजी मालूम होना चाहिए, और इतनी हार्डशिप, इतनी हार्ड वर्किंग होनी चाहिए कि डू और डाई होता है ना, ये उनका मतलब रहेगा। और तुम्हारा फैमिली बहुत संगठित होनी चाहिए, तुम्हारा फैमिली बहुत ज्वाइंट होनी चाहिए, ज्वाइंट बॉन्ड चाहिए फैमिली का, ताकि तुमको कोई धक्का लगे तो फैमिली में धक्का नहीं लगता है, बिकॉज ऑफ दिस ज्वाइंट फैमिली। तो मेरा ज्वाइंट फैमिली था, मेरे बड़े भाई बहुत बहुत एकदम, क्या बोला आपको, कि राम राज्य था उनका, और हम दोनों उसके हनुमान थे। मैं आपके रोहनी यार्ड पर गया हूं, वहां पर जो कमर्शियल शिप बन रही है उसका वजन कितना होगा? सर लास्ट टाइम एक टाटा के लिए मैंने 2,300 टन का शिप डिलीवर किया है, अभी मैं कम से कम 1,600 टन का 3 शिप में डिलीवर कर रहा हूँ अभी। ये तो मैं आपका घर देखा हूं, आपका गांव देखा हूं, आपकी फैक्ट्री देखा हूं। मैंने देखा एक बहुत ही स्पेशल किस्म का, विदेश से आप स्टील मंगाते हैं जिससे कि प्लेटफार्म का लेग होता है वो बनाते हैं, वो स्टील की खूबी क्या है? क्या होता है, पाइलिंग बोलते हैं उसको, समुद्र में वो खड़ा रहता है पाइलिंग, और समुद्र में जो जाकर रहता है उसको सपोर्ट करती है वो स्टील, थोड़ा सा हट के रहता है, और हट के होने की वजह से दिस स्टील इज नॉट अवेलेबल, मे बी अवेलेबल इंडिया वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बट मलेशिया में अवेलेबल है। तो उसको ज्वाइन करना, उसका थिकनेस रहता है 75 मिलीमीटर, 125 मिलीमीटर थिकनेस रहता है, और उसको ज्वाइन करके दे देना समुद्र में, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि 125 में डिफेक्ट नहीं आना, 75 में डिफेक्ट नहीं आना, ये बहुत चैलेंज रहता है। और वो चैलेंज सक्सेसफुली मैंने कंप्लीट किया लास्ट, मेरे को ONGC का एक अप्रिसिएशन लेटर भी मिला है उसके बारे में। टाटा जो इतना मशहूर इंडस्ट्रियल फैमिली है दुनिया में लोग मानते हैं, उन्होंने आप ही को क्यों चुना उनके लिए एक जहाज बनाने के लिए? नहीं, मेरा बेसिक है, मैं माजगांव से शिप बिल्डिंग का डिवीजन से हूँ, मैं 4 बरस डिजाइन ड्राइंग ऑफिस में काम कर चुका हूँ, तो मुझे सही। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरह से मालूम है, बहुत अच्छी तरह से मालूम तो है। और उनका जो शेड्यूलिंग होता है और उनका क्वालिटी होता है, उसमें मैं क्लास 1 था। वो बस वाली घटना क्या है? एक बार आप कार से जा रहे थे और बस में कोई एक दलित समाज का व्यक्ति ट्रेवल कर रहा था, तो क्या हुआ था? नहीं, वैसे तो को गाड़ी चली जाती है, गांव में गाड़ी चली जाती है, वही रोड था कि जो रोड से मैं पैदल कितना बार गल जाया जाया गया चुका हूँ, तो कोई दलित वगैरह ऐसा रहता है, कभी गाड़ी से जाता है, गाड़ी से नीचे उतरता है, उसे वो रहता है, तो मैं अपना गाड़ी में उसको डाल के उसका डेस्टिनी छोड़ देता हूँ। ये मेरा बहुत एक हॉबी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं मेरी जुने यादें अभी तक भूलता नहीं हूँ। तो मैं आपके घर गया था, तो आप बहुत सारा आपका परिवार लोगों को दान देता है, तो क्या इस बात का कोई अंदाजा होगा कि साल में कितना आप दान में खर्च कर देते हैं? नहीं, दान तो ऐसा गिना नहीं जाता है, लेकिन जिसको भी जो कठिनाई रहते हैं उसका सॉल्यूशन पैदा करने के लिए ट्राई करते हैं। अच्छा, तो अगर हम यह कहें, जब आपकी माँ ने तो आपकी सारी जर्नी देखी है, जब आपके पिताजी या जिस दिन आप आटा लेकर खरीदने गए थे, आटा खराब हो गया पानी में भीग करके, तो उसमें तो आपके पिताजी ने इस बात की कल्पना नहीं करी होगी कि आप उनका बेटा एक दिन बॉम्बे हाईवे में जाकर के बड़ी बड़ी शिप्स, बड़ी बड़ी ऑयल रिग्स का मरम्मत करेगा, और आपके वर्कर्स हेलीकॉप्टर से जाएंगे वहां पर उतरेंगे, या आप पानी की जहाज बनाएंगे। तो अगर मैं यह कहूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि खाड़े साहब की तीसरी पीढ़ी, आप तो फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हैं, खाड़े सर की तीसरी पीढ़ी को अगर हवाई जहाज बनाने का चैलेंज दे दिया जाए, छोटी सही, तो इसको आप अतिशयोक्ति, ज्यादा मैं बोल गया ऐसा मानेंगे, या इसकी संभावना खाड़े साहब नहीं, की थर्ड पीढ़ी में है? मेरा मेरा नेक्स्ट जनरेशन बहुत अच्छा है, मेरा माय नेक्स्ट जनरेशन इज वेरी वेरी नाइस एक्चुअली, एंड दे विल टेक अ पिक ऑन दिस बिजनेस, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छा है मेरा नेक्स्ट। माय सन इज गुड बिकॉज ऑफ कंबाइंड फैमिली, माय नेफ्यूज आर गुड, एवरीबॉडी इज वर्किंग टुगेदर इन कंपनी, सो हो सकता है कि
विदिन 2 इयर्स 3 इयर्स, और मे भी सो वी कैन से विदिन 5 इयर्स आई विल बी द बेस्ट पर्सन इन महाराष्ट्र रिगार्ड्स टू दिस अम्बेडकर। तो मेरी नजर में आप बाबा साहब के सबसे बड़े प्रोडक्ट हैं, क्योंकि आप जैसे अगर 100 दलित व्यक्ति भारत में पैदा हो जाएं, तो हम समझते हैं कि बाबा साहब का मिशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका होगा। आप चाहे दलित हो चाहे गैर दलित हो, सबकी मदद करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, नौजवानों को प्रेरित करते हैं, और आज आप जहाज बना रहे हैं पानी की, और थर्ड जनरेशन हवाई जहाज बना देगी, तो इस पर आपको आश्चर्य नहीं होगा। नहीं, टेक्नोलॉजी तो बार बार आते रहेगी, डाइवर्सिफिकेशन तो होता रहेगा, लेकिन अभी हम लोग ने जैकेट बनवाया था ONGC का, उसका पायल बनवाया था, मेंटेक बनवाया था, उसका ब्रिज बनवाया था, लेकिन ये शिप बिल्डिंग के लिए मेरा पास कोई मेरा टेक्नोलॉजी था मेरे पास, लेकिन मेरा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन ये टाटा ने मेरे पर विश्वास करके मेरे से बनवा लिया। और ये यस शिप है, बाज यस शिप बाज अपने इंडिया में अभी तक कोई नहीं बनवाया, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, फर्स्ट टाइम इन दास। तो मैं या मेरे जैसे बहुत सारे लोग आपको बहुत गर्व के साथ देखते हैं, और आपके माथे पर मुझे भारतीय संविधान के पन्नों की झलक दिखती है। थैंक यू खड़े साहब, यह हम सभी का ड्रीम होना चाहिए कि एक नहीं 100 खड़े साहब जमशेद जी टाटा की तरफ आगे बढ़ें। जय भीम, जय भारत।